कोरिया जिले में आगामी होने वाले जनपद पंचायत चुनाव के संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंकिता सोम द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले एकमात्र पटना नगर पंचायत में चुनाव संपन्न होना है, जिसके तहत नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक विभिन्न स्थानों में किया जाएगा, जबकि दावा आपत्ति के लिए 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के दोपहर 3 बजे तक का समय दिया जाएगा। इसके आगे उन्होंने बताया कि नगर पंचायत पटना के लिए प्रकाशित निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 नवंबर 2024 को किया जाएगा। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। मुख्य रूप से नगर पंचायत पटना के निर्वाचक नामावली का हमने प्रारंभिक प्रकाशन किया है उसके संबंध में है, ताकि और इस विषय में अभी तो हमने फॉर्म भरवा लिया है, नाम जोड़ने, विलोपित करने, ऐड करने की कार्रवाई हो गई है। अब इसके संबंध में दावा आपत्ति हमारे 23/10/2024 तक लेना है, जो हमारे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो है SDM और नगर पंचायत प्लस तहसीलदार कार्यालय जो सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है वहां पर चप्पा होने के बाद दावा आपत्ति लिया जाएगा। तो सुबह कार्यालय खुलने से 10 बजे से लेकर 3 बजे तक दावा आपत्ति का समय होगा। 23 तारीख तक उसका दावा आपत्ति निराकरण हम कर सकते हैं। 15 वार्ड है पटना में, 3,802 हमारे मतदाता हैं, तो हम सभी से अपील करेंगे कि जागो वोटर अभियान के तहत सक्रिय होकर के इसमें हम मतदान में हमारे भागीदार बने।